गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और तबीयत मेरी थोड़ी सी ख़राब है जिस कारण वीडियो नहीं आ पा रही है, और मौसम भी आजकल ऐसा ही चल रहा है। तो दोस्तों, आज जो है मैं कुछ शॉपिंग करी थी प्लांट्स की, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अभी तक जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले दोस्तों। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन से प्लांट्स परचेज़ करे हैं। तो कुछ इतने सारे प्लांट्स मैंने दोस्तों परचेज़ करे हैं, तो चलिए एक एक करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहला जो प्लांट है तो ये है, देखिए, पान की बेल, और ये चौड़े पत्तों वाली है। एक इसमें छोटे पत्तों वाली आती है, बट ये चौड़े पत्तों वाली, और बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ पौधा होता है। तो ज़रूर अपने घर में ज़रूर लगानी चाहिए। तो इसका प्राइस जो है 100 रुपीज़ है। वैसे तो 60 रुपीज़ में भी मिल जाती है, लेकिन वो छोटे पत्तों में मिलती है। ये थोड़े से चौड़े पत्ते हैं, तो उन्होंने बताया कि ये थोड़ा सा रेयर प्लांट है और थोड़ा सा कॉस्टली भी मिलता है। अगला जो पौधा है दोस्तों, ये वॉन्ड्रिंग ज्यू की वैरायटी है शायद। ये प्लांट मेरे पास था लेकिन ख़राब हो गया था, तो मैंने दोबारा से परचेज़ करा है, और 80 रुपीज़ में मुझे ये प्लांट मिला है। बहुत ही खूबसूरत इसकी पत्तियों का वेरिएशन होता है। बास्केट के लिए तो ये बहुत ही सूटेबल प्लांट है, बहुत ही अच्छा लगेगा हैंगिंग में लटकता हुआ, तो बहुत ही खूबसूरत है। इसकी प्राइस बता दूँ तो इसकी प्राइस 80 रुपीज़ है। 80 रुपीज़ में मुझे ये मिला है। अगला जो पौधा है दोस्तों, ये डेविल्स बैकबोन की एक वैरायटी है, शायद अलग है, पता नहीं, तो ऐसा ही लग रहा है। देखिए, इसमें जो है कलर वेरिएशन बहुत ही खूबसूरत से हैं, और कुछ इसमें लीव्स ग्रीन भी हैं, लेकिन बहुत ही देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, तो ये मैंने लिया है। ये मुझे 60 रुपीज़ का मिला है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। अगला जो पौधा है ये शायद क्रीपिंग फिग है, मुझे तो इसका ऐसे एक्चुअल नेम नहीं पता है, लेकिन क्रीपिंग फिग ही बोलते हैं इसको। और बहुत ही अच्छा सा, देखिए, वेरिएशन है, पिंक लीव है, बहुत ही सुंदर लग रही थी। ये 100 रुपीज़ की मुझे मिली है, तो बहुत ही प्यारी लग रही है। हैंगिंग के लिए तो ये बेस्ट है, और सारे सीज़न में बहुत ही अच्छे से ग्रो करती है। सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, बहुत ही अच्छे से ये ग्रो करती रहती है। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो मैंने एक ये प्लांट लिया है। अगला जो प्लांट है ये है, देखिए, मनी प्लांट की वैरायटी। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत सा इसका जो है पत्तों में वेरिएशन होता है, मार्वल पोथोस बोलते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये मेरे पास था लेकिन ख़राब हो गया था, तो अब मुझे मिला तो मैंने ये ले लिया। ये मुझे 80 रुपीज़ का मिला, और बास्केट में बहुत ही अच्छे लगते हैं पोथोस, चाहे उसकी कोई भी वैरायटी हो, बहुत ही सुंदर लगते हैं जब बास्केट से नीचे लटकते हैं। तो इसमें देखिए एरियल रूट्स भी है, ये देखिए यहाँ पर, तो इसकी कटिंग बहुत ही आराम से लग जाती है। कोई भी पोथोस हो, उसकी कटिंग बहुत आराम से लग जाती है। पानी में भी बहुत अच्छे से ये ग्रो करते हैं, और इसका वेरिएशन तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो एक पौधे से ढेरों पौधे बन सकते हैं। अगला जो प्लांट है दोस्तों, ये भी पोथोस है, सेटेन पोथोस बोलते हैं, या सिंडेप्सिस भी बोलते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, देखिए, इसकी बहुत ही मोटी मोटी सी पत्तियां हैं, और देखिए पास से दिखाती हूँ, देखिए इसके पत्तियों का वेरिएशन, देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये इस बार मुझे मिला वहाँ पर, तो मैंने ये ले लिया। और इसी के साथ एक मुझे जो है फेरेरेंड्रोन की वैरायटी की कटिंग भी इसमें लगी हुई है, देखिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे से ये चल रहा है, ग्रो कर रहा है, ये देखिए। और इसमें आई थिंक दो प्लांट हैं, एक इधर है और एक इधर है, और ये मुझे 150 रुपये का मिला। बहुत ही खूबसूरत है, अभी तो मैं इसको रिपोर्ट नहीं करूँगी, बहुत ही अच्छे से ये ग्रो कर रहा है और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही रेयर मिलता है, इस बार मिल गया तो मैंने ले लिया। अगला जो प्लांट है ये लिली है, बल्बस प्लांट है, पता नहीं, मुझे इसका नाम नहीं पता है, शायद इसको रेड स्पाइडर लिली बोलते हैं, ऐसा मैंने सुना है, पर मुझे पक्का नहीं पता कि नाम इसका सही है या नहीं है। तो ये भी मुझे 80 रुपीज़ का ही मिला है। बहुत ही इसमें अच्छे फ्लावर खिलते हैं, ऐसा भैया ने बोला था, और इसकी रूट्स देखिए बाहर तक निकली हुई हैं। तो जल्दी ही मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी, और बल्ब के थ्रू शायद ये ग्रो होता है। अगला जो प्लांट है दोस्तों, ये मैं बिगोनिया लेके आई हूँ, ये पिंक बिगोनिया है। 50 रुपीज़ का मुझे ये प्लांट मिला है। ये देखिए, इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है, और काफ़ी अच्छे से नीचे से भी बहुत ही अच्छे से ये ग्रो हो रहा है, ये देखिए। तो उन्होंने बताया कि अभी तक वो नर्सरी में ये आए नहीं हैं, हमने स्टार्टिंग में ही मंगाए हैं, तो इस वजह से ये थोड़े से महंगे हैं, वरना 20-30 रुपए में आराम से मिल जाते हैं। तो 50 रुपीज़ का मुझे ये मिला है।
अगला जो प्लांट है ये बहुत ही कॉस्टली प्लांट है और बहुत ही रेयर मिलता है दोस्तों। ये जैसे फिलेडेंड्रोन होता है पिंक प्रिंसेस, तो ऐसे ही ये वाइट वाइट प्रिंसेस है, या जो भी है इसमें वाइट वाइट पैचेस आते हैं, देखिए पत्तियों पर आपको दिख भी रहे होंगे। तो बहुत ही महंगा आता है और ये मुझे 250 रुपये का मिला है। और इसका जो बड़ा प्लांट था, मतलब जिसके इतने बड़े बड़े पत्ते थे, तो वो था 850 रुपये का, तो बहुत ही कॉस्टली था। तो मैंने ये 250 रुपये का ये छोटा प्लांट लिया है और बहुत ही अच्छे से ये ग्रो हो जाता है मॉस स्टिक में, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट होता है। जब इसमें वाइट पैचेस आ जाते हैं तो बहुत ही सुंदर इसकी पत्तियाँ लगती हैं। तो बस दोस्तों ये कुछ प्लांट हैं दोस्तों जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये मैंने परचेज़ करे हैं दोस्तों। मेरी शॉपिंग आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और इनके प्राइस भी मुझे बताइएगा कि मैंने सही रेट में, ठीक ठाक रेट में लिए हैं या महंगे हैं या सस्ते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय, टेक केयर।